नजरों में अमन अमा की नाकस सूरत हाल के खिलाफ जज मुहाफिज कमेटी का हंगामी इजलास। खूनी डकैती में कत्ल होने वाली खातून के कातलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। वजीर आला पंजाब और आई जी पंजाब पुलिस से तहसील हजरों में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर फौरी एक्शन लेने की अपील। जराए के मुताबिक तहसील हजरों में मौजूद मुख्तलिफ सियासी मजहबी समाजी और सहाफती शख्सियात पर मुश्तमिल जज मुहाफिज कमेटी का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमे ओहदेदारान और मजलिस आमिला के अराकीन ने शिरकत की। इजलास में सियाह पट्टियाँ बांध कर हालिया डकैती में जहाँबक होने वाली खातून से इजहार यकजहती और पुलिस की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ अलामती एहतजाज किया गया। इस मौके पर सीनियर सहाफी निसार अली खान ने ससुराल में होने वाली डकैती का सवा साल गुजरने के बावजूद मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर भी शदीद एहतजाज किया। शुरकाए इजलास ने मुतफिका तौर पर इलाका छछ में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इंतहाई गमो गुस्से और तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आई जी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर से पुरजोर मुतालबा किया कि तहसील हजरों में आवाम के जानो माल और इज्जत आबरू की तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम के अहकाम सादर फरमाए। रिपोर्ट कर रहे थे नवीद कादरी, ग्रेट न्यूज अटक।